प्लीज मोई दो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये देखिए, जिगी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग टैक्सी में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, और मैं वीडियो भी बना रही थी तो उसको लगा कि मेरी सेफ्टी नहीं है, तो बस सेफ्टी की वजह से उसने मेरा हाथ पकड़ा है। और हम गए हैं जिगी की बर्थडे की शॉपिंग करने, तो उसकी ड्रेसेस से मैचिंग एसेसरीज वगैरह देख रहे थे ये, और ड्रेसेस वगैरह जहाँ से ली हैं वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हमने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया है। और कुछ डेकोरेशन का सामान भी लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने फिर खाई पंडित जी की चाट, और चाट खाने के बाद मस्त शिकंजी पी वहाँ पे, क्योंकि गर्मियों के दिन है और शिकंजी और पना यही सब पीने का मन करता है। जो भी है वहाँ मालूम है, जो भी वो अलग है, बड़ा है। वो ऐसे ही डेकोरेट करने के लिए देगी। देखिए, हम लोगों की हालत ऐसी हो गई है शॉपिंग करने आए थे हम लोग, और रात हो रही है, 8:30 बज गया है। जितनी भी जल्दी करने की कोशिश करो, देर हो ही गई। 5 बजे हम लोग निकले थे। आज कम्प्लीट थी। हाँ यार, कम्पेटिवली कम थी। हाँ, जैसे वो खाने वाले पंडित जी के हम लोगों ने खाया, वहाँ तो इतनी भीड़ होती थी, मतलब वहाँ पे टोकन लेना भी अपने आप में बड़ा टाइम लगाने वाला काम था। बट आज उतनी नहीं थी अगर कंपेयर किया जाए, बट हाँ अभी ना बात है जितनी नॉर्मल होनी चाहिए थी। हाँ, कैसे ओ ये क्या कर रही है? स्लाइम यहाँ छुपा के रखी है स्लाइम। अरे वाह, गिरेगी नहीं, गिराना नहीं। हाँ, सो फ्रेंड्स, हम लोग 11:15 बजे पी रहे कीच मोई दो। बैठो नीचे। जिक्की जिक्की को हम लोगों ने जमीन में बैठा दिया। क्या पी रही हो? हैं, क्या पी रही हो? जूस? ग्लास तो पकड़ लो हाथ में। नहीं, ग्लास डर है ना, अगर गिर गया तो बुआ को कूट देगी। आराम से पियो, आराम से, कोई बात नहीं। अरे बैठ जाओ। द नेक्स्ट डे जिग्गी खाएगी आलू, उसका फेवरेट है आलू नाश्ते में। और ये देखिए उसने टेबल की क्या हालत कर रखी है, ये देखिए। और ये देखिए, 10 रुपए का स्टैंड, मोबाइल में कार्टून, देखा आप लोगों ने? 10 रुपए की चीज़ कितनी काम की निकली। इतने महंगे महंगे स्टैंड, ट्राइपॉड सब लिया, सब टूट गए, और ये लोकल मार्केट में मुझे 10 रुपए में मिल गया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा स्टैंड। और टेबल की हालत देखिए आप लोग। और मैडम ने डिमांड करी थी कि उनको आलू खाना है, आलू के साथ कुछ नहीं, तो बस ये आलू खा रही हैं। गरम होगा ना? नहीं है? अपने आप खाओगी कि मैं खिलाऊं? सभी अभी नहा के आए हैं हम लोग, और बाहर तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, पर साथ ही साथ धूप भी बहुत ज़्यादा है। और जिग्गी ने बोला कि उसको आलू खाने हैं, तो मैंने फटाफट से आलू बनाए उसके लिए, बॉयल करके पहले से रखे हुए थे, तो उसको ऐसे हल्का सा नमक, हींग और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालते हैं, तो बस वो अच्छा लगता है उसको, वो खा लेती है, तो बस वही बनाया है, मैं उसको खिला रही हूँ। साथ ही में ये ग्लूकॉन डी दे रही हूँ मैं उसको, जो कि उसको पसंद है, तो ये इसका नाश्ता हो जाएगा। फिर देखते हैं लंच में क्या बनाएंगे। और मैंने नाश्ता कर लिया है थोड़ी देर पहले ही, ये देर से उठी थी इसलिए इसने नहाने से पहले नहीं खाया था, और मैंने नहाने से पहले ही नाश्ता कर लिया था,
और जिग्गी को भी साथ में नहला दिया, तो एक काम से फ्री हो गए। तो मैंने कहा अब चलो नहाने के बाद ही नाश्ता कराऊँ इसको, क्योंकि ये देर से भी उठी थी तो ये सुबह सुबह खाती भी नहीं। मैंने सोचा है कि कल पार्क ले जाऊँगी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे कल। और इसी की वजह से रूटीन डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि ये वहाँ जा करके फिर नींद में बैठी रहती थी और फिर कहती थी गोदी लेकर के बैठो, मुझे वॉक भी नहीं करने देती थी, मुझे मतलब योगा भी नहीं करने देती थी, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा जाना तो बेकार ही है, मैं वहाँ जा करके भी इसी के साथ बैठी रहती हूँ या टहलूँ तो गोदी लेके टहलूँ, फिर वो हो नहीं पा रहा था। और मेरी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं जाऊँ पार्क में, और घर के सामने पार्क है और मैं जा नहीं पाती हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और मुनियादी जाती हैं तब भी मैं मतलब साथ में नहीं जा पा रही हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगी, और इसलिए भी क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पे मैं गई तो नहीं हूँ, बट बहुत सारे नए वहाँ पे झूले वगैरह और एक्सरसाइज के लिए मशीन वगैरह लगाई गई हैं, शायद साइकिलिंग वगैरह के लिए भी, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वहाँ पे वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। मे बी कल अर्ली मॉर्निंग मैं जाऊँगी, सोचा तो मैंने आज के लिए भी था बट नहीं जा पाई। अब कल जा पाती हूँ तो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो फिलहाल मैं उसका नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, 4-5 घंटे खाना तो बाद में थोड़ी हवा हो गए हैं। 5 बजे लाइट गई थी और रात का 10 बज रहा है, अभी भी हमारे मोहल्ले में लाइट आने के कोई आसार नहीं थे, तो हम लोग तो ये हुआ कि हम लोग वॉक करके चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा के आते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में यहाँ पर एक खाना बनाएगा कौन। अभी आया चला गया है तो टाइम हो गया ना, चला गया होगा। अच्छा इधर होगा। तो हम लोग आ गए हैं निराला नगर। गोला नहीं है अंकल के पास। जा रही है जी, चलो बुआ के साथ आगे। हाँ पकड़ो, तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोया चाप वाले के पास। चाप खाने के लिए यहाँ बहुत भीड़ होती है, और वेज कबाब वगैरह भी मिलते हैं बट बहुत भीड़ होती है, तो अभी हमें अंदर जाने का स्पेस नहीं मिला था, तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं। गाइज ने पानी लिया है और कोल्ड ड्रिंक लिया है, अभी हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं बताऊंगी। हाँ। मैंने करी है और मैंने कोडिंग किया है। हम लोग बाहर क्यों वेट कर रहे हैं जी की? खाना खाने के लिए। हाँ, और अभी अंदर जगह नहीं इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत ठंडी है, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर सारा रेस्टोरेंट फुल हो चुका। तो फाइनली हमें भी टेबल मिल गई है और बहुत टेस्टी चाप होती है, और वेज कबाब भी काफ़ी टेस्टी लगा मुझे यहाँ का, जो कि मैंने नहीं खाया था पहले, और वेज बिरयानी भी मिलती है तो वो भी बहुत टेस्टी होती है। सो फ्रेंड्स, 20 जून को है जिगी का बर्थडे, तो अब डेली के डेली व्लॉग्स आने वाले हैं और बर्थडे से रिलेटेड भी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और जिगी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आई रियली होप कि आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।